नीतिवचन अध्याय 11। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु जब नम्र लोगों में बुद्धि होती है, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्मी मृत्यु से भी बचता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंस जाते हैं। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है, और अनर्थ पर जो आशा रखी जाती वह नाश होती है, परंतु धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नाश होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की वृद्धि होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता वह तो भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वासयोग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो उत्तरदायित्व से घृणा करता वह नीडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है, और बलात्कारी लोग धन को नहीं खोते। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कौर हो जाता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं कि बुरा मनुष्य तो निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। धर्मियों की लालसा को केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे है जो छित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और उनसे इससे उनकी घटती ही होती जाती है। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सिंचता है उसकी भी सिंची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही होगा, और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा।